बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पैनकेक्स। तो सबसे पहले इसका जो ड्राई मिक्सचर बनाते हैं वो बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो वेट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे और पैनकेक्स बनाएंगे। मैं 3 कप मैदा लूँगी। मैदा हमने बिल्कुल लेवल कप करके लेना है। तीन कप मैदा चाहिएगा इसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास 6 टेबलस्पून जितनी चीनी है, आपके पास अगर चीनी मोटी है तो उसको पीस लीजिएगा। 1/4 टीस्पून नमक है। 4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर है मेरे पास, ये इसके अंदर जाएगा। चीनी चली गई, नमक चला गया, बेकिंग पाउडर चला गया। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं पैनकेक मिक्स के लिए वो रेडी हो गए। अब इसके अंदर और क्या जाएगा इसका बैटर बनाने के लिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हमारे जो हैं वो मिक्स करके रखे हुए हैं। अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, 3 कप दूध का जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद इसमें 3 अंडे जाएंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज हैं। आपके पास लार्ज हैं या एक्स्ट्रा लार्ज हैं तो 3 डाल दीजिएगा, अगर छोटे हैं तो फिर आप 4 डाल सकते हैं। 6 टेबलस्पून जितना इसके अंदर मैं वेजी ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वेजी ऑयल यूज़ कर लें या बटर यूज़ कर लें इसके अंदर। ये सारी चीज़ें अब हम इस मिक्सचर में डाल के तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दूध आहिस्ता आहिस्ता। साथ ही ऑयल डाल दूंगी। बटर डालें तो बटर को मेल्ट करके डालिएगा, 6 टेबलस्पून जितना। अंडे चले जाएंगे साथ ही इसमें। सारी चीजें जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ठंडी डालेंगे तो बेकिंग पाउडर प्रॉपर काम नहीं करेगा। बहुत अच्छे से जो है वो अब हम इसको करेंगे मिक्स। कोई लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। इसको आप ग्रिडल पे भी बना सकते हैं, चूल्हे पे फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। चूल्हे के ऊपर जो हीट है वो मीडियम पे होनी चाहिए, और अगर आप ग्रिडल पे बनाते हैं तो हीट उसकी जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। बैटर हमारा हो गया रेडी। बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसके पैनकेक्स बनाऊंगी। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, मीडियम हीट के ऊपर बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन को मैंने मीडियम हीट के ऊपर गर्म किया है, बिल्कुल हल्का सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। अब 1 स्कूप आप ले लीजिए, जिसको माप के आप अपने सारे जो है वो पैनकेक्स बनाएंगे। ज्यादा थिक रखने हैं तो बैटर ज्यादा डाल लीजिए, थिन रखने हैं थोड़े से तो उसी हिसाब से बैटर अंदर डाल लीजिएगा। इसके ऊपर बड़ी बड़ी बबल्स आना शुरू हो जाएंगी तो समझें वन साइड से जो है वो बन चुका है, तो इसको हम दूसरी साइड पे फिर फ्लिप करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर बबल्स आनी शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी। इसको थोड़ा सा उठा के देखेंगे, थोड़ी सी अभी देर है। ये देखिए सारे बबल्स बनना शुरू हो गई हैं। अब इसको मैं करूँगी फ्लिप। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड से इसको करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए बस और रखेंगे। पैनकेक जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालते हैं तो दूसरा बनाते हैं।
पैनकेक हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से अब मैं दूसरा डालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसको अब निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्का सा ऑयल हमने लगाना है बस। इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा बबल्स आने शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी। जब बहुत सारी पूरे भी आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि उसकी दूसरी साइड जो है वो पक चुकी है। हम इसको फिर फ्लिप कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको उठा के दूसरी साइड पे देख लेंगे। बन गया है, बबल्स भी आ गई हैं पूरे पे, फ्लिप कर देंगे। हमारा पैनकेक ये वाला भी रेडी हो गया है। इसी तरह से अब मैं सारे जो है वो बना लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। हमारे पैनकेक्स रेडी हैं, इसको सर्व करेंगे मेपल सिरप के साथ। जितना आप डालना चाहें अपनी मर्जी से इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बने पैनकेक्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।